नेस्टेड फॉर लूप की एक और एग्जांपल करते हैं जिससे इसका ऑपरेशन, इसका फ्लो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अनदर एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, राइट। तो हमने सिंगल टेबल प्रिंट किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल्स के लिए यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनपुट हमने कहा यूज़र से भी इंटर टेबल, अब यूज़र इनपुट टेबल देगा, टेबल मस्ट बी इंटीजर, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें। टाइप कास्ट किया हमने और इसके अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को दोबारा से और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं, हमने सिंगल टेबल लूप के थ्रू प्रिंट किया था, हम मल्टीपल टेबल्स जो है ना वो प्रिंट करते हैं कि यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, टेबल्स इनपुट या टाइप कास्ट किया हमने इंटर टेबल। अब क्या होगा जी, पहला लूप चलेगा कि टेबल्स प्रिंट करने हैं, टेबल इन रेंज कितने टेबल प्रिंट करना है जी, 2 से टेबल स्टार्ट होगा और यूज़र इनपुट देगा कि भाई 5 तक टेबल प्रिंट करने हैं। तो 5 तक के लिए जो इनपुट आएगा वो टेबल प्लस 1 कर देता हूँ, राइट। टेबल प्लस 1 क्यों किया हमने, ताकि 5 डालेगा तो 5 तो रेंज में शामिल होता नहीं, तो 5 भी शामिल हो जाए, इसलिए एक बढ़ा दिया हमने। दोबारा किया फॉर नम इन रेंज, हमने टेबल कितने नंबर्स तक मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, 1 से लेकर 11 तक दे दें ताकि ये 10 तक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पर हमने वही काम करना है, प्रिंट कराना है टेबल को। प्रिंट सबसे पहले हमारे पास होता है टेबल नंबर, टेबल नंबर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, टेबल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ टेबल, टेबल नंबर के बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बाद हमारे पास आता है काउंटर, काउंटर हमारे पास है नम के अंदर, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल साइन, उसके बाद हमारे पास आता है आंसर। आंसर कैसे आएगा, जब टेबल मल्टीप्लाई होगा काउंटर यानी नम से, राइट। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड यहाँ पर आ रहा है एंड ऑफ लाइन, इसको एग्जीक्यूट किया। टेबल नंबर अपने कहा जी 5 तक प्रिंट करने और इंटर किया, टेबल नॉट डिफाइन टेबल्स, दोबारा एग्जीक्यूट किया 5 तक और ये टेबल प्रिंट हो गया। तो अब ये क्या हुआ इसके अंदर कि पहले फर्स्ट आउटर लूप चला है जिसके अंदर 2 से लूप स्टार्ट हुआ, अभी आउटर लूप के अंदर एक ही वैल्यू 2 गई है जबकि इनर लूप अपना 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। जब इनर लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, तो ये वापस गया आउटर लूप के पास, आउटर लूप में वैल्यू अब आ गई 3, 2 के बाद 3, और फिर दोबारा ये आउटर लूप 3 ही रहा, इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स चला, इस तरह 4 हुआ, फिर आउट इनर लूप 10 टाइम्स चला, फिर आउटर लूप 5 हुआ, इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये सीक्वेंस होती है नेस्टेड लूप के केस के अंदर कि जो भी अपर लूप होगा वो एक टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके इनर लूप जो हैं वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होंगे, और जब वापस अपर लूप के पास एग्जीक्यूशन जाएगी तो इनर लूप जब की बारी आएगी दोबारा वो इनिशियल से स्टार्ट होगा, राइट। इसको एक बार फिर ट्राई करते हैं, 4 आपके पास ये 4 टाइम्स चल गया।